बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कुदरत ब्यूटी सीक्रेट। आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। सो व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त टिप्स लेके आई हूँ। बगलें ये स्याही माइल हो जाती हैं बाल उतारने की वजह से, इसको किस तरह ख़त्म किया जाए। बगलों के गैर ज़रूरी बाल उतारते रहने से जिल्द स्याही माहिल हो जाती है और बाज़ूकात डेड स्किन की तैस ही बन जाया करती है। वैसे तो बगलों की स्याही का दूसरों को कम ही पता चलता है, लेकिन ये बहुत बुरी लगती हैं। इसको ख़त्म करने के लिए मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त टिप्स लेके आई हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसको घर में आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली भी चीज़ें आपको आसानी से घर में मिल जाएंगी और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करने से आपके बगलों के नीचे जो निशान पड़ जाते हैं बाल उतारने की वजह से, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा नुस्खा है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर करें। हम बगलों के नीचे से अपने बाल तो उतार लेते हैं, लेकिन वो अपने निशान छोड़ जाता है। इस निशान को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत अच्छा नुस्खा है, इससे आपके ये जो स्याही माल बगलें हैं ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। सो व्यूअर्स, इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है हल्दी। हल्दी कुदरती तौर पर जरासीम कश खसूसियात की हामिल है और खराशों, जख्मों और जलने वगैरह के लिए मुफीद है। ये एक फौरी मरहम का काम करती है। खून के लोथों की रोकथाम और जख्म पर लगाने की सूरत में नई खुलियात की अफजाइश में मदद देती है। हल्दी कुदरती अज्जा से भरपूर है, इसके बेशुमार फायदे हैं। खानों में इसका कसरत से इस्तेमाल कई बीमारियों से महफूज रखता है। जैसे हल्दी को स्किन या खूबसूरती के लिए भी नहायत फायदेमंद समझा जाता है और सदियों से खवातीन हल्दी और उबटन के मिलाप से पेस्ट तैयार करके चेहरे की ताजगी और शगुफ्तगी के लिए इस्तेमाल करती चली आ रही हैं। ये नहायत कम कीमत पर दस्तयाब ये ब्यूटी प्रोडक्ट स्किन के लिए बेशुमार फायदा में मुहैया करती है। लेमन। लेमन में विटामिन सी पाया जाता है। ये हमारी जिल्द की पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये जिस्म में मौजूद इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ता है। नींबू का रस विटामिन सी का खजाना है। इसमें विटामिन बी भी पाया जाता है। नींबू इंसान के जिस्म में मौजूद यूरिक एसिड को ख़त्म करता है। जैतून का तेल। हज़ारों सालों से जैतून को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। अलबत्ता इन दिनों सेहत के मुतल्लिक बढ़ती हुई आगाही के बायस खाना पकाने में जैतून के तेल का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ये तेल जैतून को निचोड़ कर निकाला जाता है। इसमें कई इकसाम के एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी ग़िज़ाई अज़ा मौजूद होते हैं। ये फैट्स की बनावट के लिहाज से भी मुनफरिद है। इसमें ओमेगा 9 फैट बड़ी मकदार में मौजूद होता है, साथ ही ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स और विटामिन ई और के का भी इसमें पाए जाते हैं। जैतून का तेल कुदरती तौर पर कोलेस्ट्रॉल से पाक होता है। जैतून का तेल हो या जैतून, दोनों ही मज़ेदार हैं। आपकी जिल्द की खूबसूरती में भी इजाफा करता है। यूनान में लोग जैतून के तेल से नहाने के आदि थे। ये इसे बतौर खास साबुन के इस्तेमाल करते थे, जिससे इनकी तमाम गंदगी निकल जाती थी। 1450 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हदायत की कि जैतून के तेल को अपने जिस्म में लगाएं। मगरिब में ब्यूटी प्रोडक्ट में जैतून के तेल का इस्तेमाल लाजमी तसव्वुर किया जाता है। क्या चीज़ है जिसकी वजह से जैतून का तेल जिल्द के लिए अच्छा तसव्वुर किया जाता है? वो है इसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से जिल्द के मसाम बंद नहीं होते हैं। ये वाहद नबाताती तेल है जो कि आपकी जिल्द को सांस लेने की आज़ादी देता है। जैतून के फल की तरह जैतून का तेल भी सेहत के लिए बेहद मुफीद है। जैतून का तेल जिल्द की खूबसूरती में इजाफा करता है। माहरीन का कहना है कि जैतून का तेल कुदरती मॉइस्चराइजर का काम देता है। इसका मसाज ना सिर्फ जिल्द को चमकदार बनाता है बल्कि जिल्दी अमराज से बचाव में भी मदद देता है। खीरा। क्यूकम्बर। खीरा आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। ये बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल है।
تر سبز و شاداب کھیرا آپ کی جلد کو بھی شاداب بنا سکتا ہے اگر آپ اس کا صحیح استعمال کریں۔ کھیرا وٹامن کے، وٹامن سی اور وٹامن بی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں سلفر، میگنیشیم، پوٹاشیم، سلیکون اور سلفر موجود ہوتے ہیں۔ کھیرے کے اندر 69% پانی کی مقدار موجود ہوتی ہے جو آپ کی جلد میں قدرتی نمی برقرار رکھتی ہے۔ کھیرے کی جلد صاف، چمکدار اور ملائم ہوتی ہے اور اس کی یہ خصوصیات آپ کے جلد میں بھی منتقل ہو سکتی ہے اگر آپ اسے اس کے فوائد جانتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کریں۔ کھیرا وٹامنز کا خزانہ ہے جو کہ آپ کو توانا رکھتا ہے۔ یہ ایک ہلکی اور جسم کو تر و تازہ رکھنے والی سبزی ہے۔ کھیرا غذائیت سے بھرپور اور قدرتی طور پر وٹامنز اور معدنیات کا ایک مجموعہ ہے۔ اس میں موجود غذائی اجزاء جسم کے کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں اور جسم کو مختلف بیماریوں سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ چلیے ویورز سٹارٹ کرتے ہیں۔ رکیے، سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ یہ بالکل فری ہے۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آدھا چمچ ہلدی، ہاف لیمبو، ایک چمچ زیتون کا تیل، ایک چمچ کھیرے کا رس۔ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ پھر اس پیسٹ کو اپنی بگلوں پر اپلائی کیجئے اور آہستہ آہستہ مساج کریں۔ 10 منٹ بعد دھو لیں۔ ایک ماہ تک روزانہ لگائیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا۔ فرسٹ ٹائم لگانے سے ہی آپ کو اس کے ریزلٹ کا پتہ چلے گا۔ یہ بہت اچھا ماسک ہے، اس کو ضرور ٹرائی کیجئے۔ اس کے لگانے سے آپ کی یہ جو سیاہی مال بگلیں ہو رہی ہیں یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکس۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز جلدی سے میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔